बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक का मुशाहिदा समाप्त फरमाइए। मामला छोटा हो या बड़ा हो, मुश्किल छोटी हो या बड़ी हो, दुरूद पाक का मामला, दुरूद पाक का पढ़ना दुनियावी दीनी छोटे बड़े परेशानी हर तरह के मामला के लिए काफ़ी है। एक भाई साहब हैं, फरमाते हैं ये स्कूल में टीचर थे। कहते हैं कि छुट्टी का वक्त हो गया और स्कूल के अंदर ही पानी का प्लांट भी लगाया हुआ था और पीछे से वॉल निकल जाता था, तो एक बच्चे को पकड़ाया, कहा कि आप इस वॉल को अपने पास रखें, और साथ में मोटर चलती रही और पानी भरता रहा और पाइप भी लगा हुआ था। तो तकरीबन छुट्टी का वक्त भी हो गया, अब टैंकी का पानी बह रहा था, यानी टंकी भर चुकी थी और वॉल नहीं मिल रहा था कि टंकी बंद कर सकें। अब बड़ा तलाश किया पूरे स्कूल के अंदर, कहीं नहीं मिला, हर कमरे में तलाश कर लिया, हर बच्चे से पूछा, किसी जगह नहीं मिला। बड़ी परेशानी का वक्त था क्योंकि छुट्टी का वक्त था, अब किस तरीके से बंद करें। तो बड़ी परेशानी हुई उनको, कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मसला कैसे हल होगा, और कहने को तो बात छोटी सी थी फिर भी काम तो करना था। कहते हैं इसी दौरान मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं दुरूद पाक पढ़ना शुरू करूं और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मदद मांगूँ। मैंने ऐसे ही किया और कहा कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा। कहते तो शर्म आ रही है, छोटा सा काम है लेकिन मुझसे तो ये काम नहीं हो रहा, वॉल कहाँ है, या अल्लाह ये मसला हल कर दें। तो कहते हैं कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था, दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, तो यकीन करने के एक मिनट भी नहीं हुआ किसी बच्चे ने आकर कहा कि वॉल जो है सामने प्लॉट में फला जगह पर घास पर पड़ा हुआ है। और फिर जाकर उन्होंने वॉल उठाया और फिर मोटर वगैरह बंद की, और इस तरीके से जो है इनका ये मामला हल हो गया। तो कहते हैं कि दुरूद शरीफ छोटे मसले के लिए, बड़े मसले के लिए, दीनी मसले के लिए, दुनियावी मसले के लिए, जिस्मानी बीमारियों के लिए, रूहानी बीमारियों के लिए, तमाम 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 मामलों के लिए काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना नहायत ही खालिस और मुखलिस अमल है, नहायत ही मुबारक अमल है। जो दुरूद पाक को चुन लेता है अल्लाह ताला उसकी परेशानियां दूर कर देता है। खालिस नियत के साथ पढ़िए, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में पढ़िए, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जब आप अल्लाह की मोहब्बत और उसके हबीब की मोहब्बत में पढ़ेंगे तो जो दीन और दुनिया के काम हैं वो खुद ब खुद संवरते चले जाएंगे। अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।